हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। इनका टेन्योर था 1772 टू 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स के टेन्योर में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इवेंट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट पास हुआ था इनके ही टेन्योर में और इस एक्ट के थ्रू वॉरेन हेस्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है और इस तरह से ये लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। सेकेंड पॉइंट इज एबॉलिश्ड ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अबॉलिश कर दिया था जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए जाते हैं, मतलब कि जो रेवेन्यू अफेयर्स था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन या जुरिस्डिक्शन वाला जो पार्ट था वो अभी भी निज़ाम के अंडर था, तो निज़ाम निज़ामत वाला पार्ट देखते थे। थर्ड पॉइंट इज़ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 से 1782 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स के टेंडोर में। दो इम्पॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775, ट्रीटी ऑफ सालबाई इन 1782। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कैलकटा में इन 1774। रोहिल्ला वॉर हुआ था इनके ही टेन्योर में बिटवीन रोहिल्ला एंड नवाब्स ऑफ अवध इन 1774। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम जोन्स इन 1784। भगवद गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया था बाई चार्ल्स विल्किंस और 5 ईयर्स का सेटलमेंट हुआ होता है विद द फार्मर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस सेटलमेंट के थ्रू फार्मर से इन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कैलकटा में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये थे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के टेन्योर में हुए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.